दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है अंटार्कटिका से बना दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक अंटार्कटिका के जमे हुए किनारे से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। यह हिमखंड स्पेनिश द्वीप मालोर्का से भी बड़ा है और अब अंटार्कटिका से अलग होकर वेडेल सागर में तैर रहा है। इस हिमखंड की एक तस्वीर कॉपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट मिशन नामक सैटेलाइट से ली गई है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। वैज्ञानिकों ने इस आइसबर्ग को A76 नाम दिया है। इसकी सतह का कुल क्षेत्र 4320 वर्ग किलोमीटर है, जो लंबाई में 175 किलोमीटर और चौड़ाई में 25 किलोमीटर तक फैला है। A76 को विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग कहा जा रहा है, जिसके बाद अंटार्कटिका के A23 का स्थान है। A23 भी वेडेल सागर में तैर रहा है, जिसका कुल क्षेत्र लगभग 3380 वर्ग किलोमीटर है। बीते कुछ वर्षों में अंटार्कटिका के कई हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। बता दें कि आइसबर्ग बर्फ के टुकड़े होते हैं, जिनका निर्माण सतह पर होता है और ये समुद्र या झील में तैरते हैं। आइसबर्ग सभी आकार और स्वरूप के हो सकते हैं। इनका आकार बर्फ के छोटे टुकड़ों से लेकर एक छोटे देश के आकार जितने बर्फ के द्वीपों तक हो सकता है। मानक रूप से आइसबर्ग टर्म का उपयोग 5 मीटर से बड़े हिमखंडों के लिए किया जाता है। छोटे हिमखंडों को बर्गी बिट्स और ग्रोलर के रूप में जाना जाता है। ये छोटे हिमखंड जहाजों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें स्पॉट करना कठिन होता है।